अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड गुड। बेटा स्टे होम स्टे सेफ। सो स्टूडेंट, दिस लेक्चर फॉर क्लास सिक्स। क्लास सिक्स, इन आर प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डन बुक वर्क यूनिट नंबर 16 एंड यूनिट नंबर 16 इज अली बाबा एंड द 40 थीव्स। सो टुडे वी आर ऑल्सो डन बुक वर्क पेज नंबर 85। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बेटा ऑन पेज नंबर 85 पार्ट ए इज कम्प्रीहेंशन। रीड द टेक्स्ट केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चन। ये पार्ट आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी डन इन योर इंग्लिश बी वर्क बुक। इट्स सेम टू इंग्लिश बी वर्क बुक कम्प्रीहेंशन पैसेज। सो यू जस्ट रीड दिस पार्ट वेरी केयरफुली देन आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। एनी, सारा एंड मैरी वेंट टू द थिएटर टू सी अ म्यूजिकल शो। दे वेंट विद आतिफ एंड जैक। Sara was talking to the boys. One of the other two girls bought the show tickets. She then gave them to Mary to mind. Their seat numbers were 8, 9, 10, 11 and 12 in row G. None of the girls sat beside another girl and Sara had a boy on either side of her. Atif sat beside Mary and he was in seat 9. The show began at 9:30 and lasted 2 hours. So, some question already given you. First question is, who sat in the middle seat? मतलब के दरमियान वाली सीट में कौन बैठा था? And the answer is Sara. What seat number was that? Seat number क्या था उसका? Seat number 10. Who bought the tickets? किसने टिकट खरीदी थी? And the answer is Annie. Did the show finish before or midnight? Show कब खत्म हुआ था? Midnight कहते हैं आधी रात से पहले या बाद में। So the answer is before midnight. Who sat in seat number 8? कौन था जो seat number 8 पर बैठा था? And the answer is Mary. Who sat in seat number 11? कौन seat number 11 पर बैठा था? And the answer is Jack. So this is your पार्ट ए ऑन पेज नंबर 85। नेक्स्ट मूव ऑन पार्ट बी, वोकैबुलरी। टिक द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग वर्ड आर यूज्ड करेक्टली। सम वर्ड्स गिवन ओवर हियर, कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं एंड एज यू कैन सी, और आप देख भी सकते हैं, द फर्स्ट वर्ड इज मॉडर्न। मॉडर्न मीन होता है जदीद। द न्यू बाथरूम लुक्ड वेरी मॉडर्न। वी स्टेड स्टिल व्हेन वी सॉ द मॉडर्न। अब आप देखें इन दोनों सेंटेंस में से कौन, ये मॉडर्न वर्ड किस में सही इस्तेमाल किया गया है। सो देन टेक द राइट सेंटेंस एंड द आंसर इज ऑलरेडी डन फॉर यू। इट्स सेंटेंस नंबर 1। नेक्स्ट इज सेंशियस, मीन मर्दमशुमारी। ही इज सेंशियस मोस्ट ऑफ द टाइम। वो हर वक्त मर्दमशुमारी में है। इट्स नॉट मेक अ सेंस। वी फिल इन द सेंशियस फॉर्म टूगेदर। हम मिलकर मर्दमशुमारी का फॉर्म जो है उसे हल करते हैं, फिल करते हैं। सो द राइट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 2। सो टिक मार्क ऑन इट। कस्टमर, कस्टमर्स कहते हैं ग्राहक को, जो लोग चीज़ें परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू द कस्टमर। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है कि हमें अपने ग्राहकों की बात को सुनना चाहिए। इट इज़ एन ओल्ड कस्टमर टू डेकोरेट द ट्री। सो द करेक्ट सेंटेंस इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू द कस्टमर। सो टिक मार्क ऑन इट। नेक्स्ट इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल कहते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, वाफर मिकदार में। द ग्लास ओवरफ्लोड व्हेन इट वॉज प्लेंटीफुल। द फूड वॉज प्लेंटीफुल एट द पार्टी। अब सही जुमला कौन सा है इनमें से? द सेकेंड वन इज द राइट सेंटेंस। द फूड वॉज प्लेंटीफुल एट द पार्टी, के पार्टी में खाना जो था वो बहुत वाफर मिकदार में मौजूद था, बहुत ज़्यादा मिकदार में। केमिकल, हेयर डाई इज अ केमिकल यूज टू कलर हेयर। My favorite subject in school is chemical, and as you know that chemical नाम का कोई subject नहीं होता, ठीक है? So the right sentence is hair dye is a chemical used to hair color. So tick mark on it. Next move on part C. Part C is word structure. Add a second syllable to make a word in this sentence. As you can see, first syllable is already given. You just add the second syllable to complete a word like par. Is a first syllable. Next we add here ty. It's make a word party. So the complete word is party. It's not compulsory के जो words मैंने लिखे हैं आपने भी same लिखने हैं,
और भी बहुत सारे वर्ड्स इससे बन सकते हैं, सो आप लिख सकते हैं एल ए जी, द सेकेंड सिलेबल इज वाई, सो इट्स मेक अ वर्ड लेजी, जे ए सी के जैक, ई टी जैकेट, डब्ल्यू ई ए टी एच वैद, ई आर वैदर, एम आई डबल आर मिर, ओ आर मिरर, एल आई एस टी लिस, ई एन लिसन, एस ए यू सॉ, सी ई सॉस, S H A M shame, F U L full, it's make a word shameful, T A S taste, T Y T tasty, M A R mar, I N E R C H march भी कह सकते हैं आप, marry भी कह सकते हैं, marvin भी कह सकते हैं, P E double P E R pepper, K E Y key, B O A R D board, it make a word key. नेक्स्ट द लास्ट पार्ट इज इज अ टाइम रिमूव वन लेटर फ्रॉम ईच वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, द लेटर कैन बी रिमूव फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ड, इन दिस पार्ट यू जस्ट यू हैव ऑलरेडी गिवन सम वर्ड, तो आपने क्या करना है इनमें से कोई भी एक लेटर को रिमूव करना है, इट्स नॉट कम्पल्सरी कि पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है या चौथा करना है, आप कहीं से भी कोई एक लेटर रिमूव कर सकते हैं इसी वर्ड में से और एक नया वर्ड बनाएंगे, लाइक फर्स्ट इज बी एल ई बेल एंड वी रिमूव बी, इट्स मेक अ वर्ड ए ए एल ई, नेक्स्ट इज क्रीम एस सी आर ई ए एम, वी रिमूव अ लेटर एस, इट्स मेक अ वर्ड सी आर ई एम क्रीम, स्टाइल एस टी आई एल ई स्टाइल, वी रिमूव लेटर एस, इट्स मेक अ वर्ड टी आई एल ई टाइल, रिमेनिंग वर्ड्स फॉर योर होम असाइनमेंट क्लास, सो दिस इज योर लेक्चर फॉर टूडे, your home assignment is you learn this book work very keenly and carefully, and inshallah we'll see you in our next lecture. Allah Hafiz.